हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको मृदु चंद्रभेदि प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। मैं इसके लाभ, हानियाँ, सावधानियाँ और इसकी पूरी विधि आपको बताऊँगा और किन किन रोगों में इसका लाभ हमें मिलता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर नित आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर में प्राणायाम करता है। प्राणायाम के द्वारा रक्त विकार भी ठीक होते हैं। उसी कड़ी में मृदु चंद्रभेदि प्राणायाम भी बहुत महत्वता रखता है। मृदु चंद्रभेदि प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर जितने भी गर्मी के रोग हमारे अंदर होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। जैसे हाथ पैरों में जलन होना, आँखों में जलन होना, गुस्से का अधिक आना, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जो भी जलन हमारे यूरिनरी सिस्टम में पैदा रहती हैं उनको दूर करने में, साथ में पसीने का अधिक आना, कभी कभी कुछ भाई बहनों को सर्दी में भी काफ़ी पसीना आता है, ऐसी समस्याएं बड़ी गंभीर होती हैं। सर्दी में भी काफ़ी लोग पसीने से परेशान रहते हैं। कुछ भाई बहनों को, कुछ स्टूडेंट्स को लिखते समय भी बहुत समस्या होती है, वो लिखते हैं तो काफ़ी पसीना उनकी हथेलियों में आ जाता है। ऐसी सभी समस्याओं का शमन इस प्राणायाम के अंदर होता है। हमारे दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारा ईड़ा नाड़ी होती है और राइट नॉस्ट्रल हमारी पिंगला नाड़ी होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारे शरीर के अंदर शीतलता को बनाए रखती है और राइट नॉस्ट्रल हमारे शरीर के अंदर गर्मी को बनाए रखती है। जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है, मृदु चंद्रभेदि, मृदु मतलब सॉफ्टली और चंद्रभेदि यानी इस प्राणायाम को सॉफ्टली हमें करना है तभी हमें इसको लाभ मिलने वाला है। अगर प्राणायाम की विधि की बात करें तो सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, हमारी कमर गर्दन भी सीधी रहती है, हाथों की स्थिति जान मुद्रा में रहती है, अपने जो फर्स्ट फिंगर है उसको, जो हमारा अंगूठा है उसकी रूट पर लगा लेते हैं, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा भी लगा सकते हैं और ज्ञान मुद्रा भी। कहते हैं मुद्रा के लगाने से हमारे अंदर स्थिरता आती है, तो मुद्रा का अपना विशेष लाभ होता है। साथ में इस अभ्यास के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, कमर गर्दन एकदम सीधी रहती है, चेहरे पर कोई टेंशन तनाव नहीं रहता है और हाथों की स्थिति ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रहती है। सबसे पहले आप अपने हाथ को उठा लेंगे, दाहिने हाथ को उठाएँ और अपनी जो अनामिका मध्यमा है और अंगूठा, इन दोनों के माध्यम से आप इसका प्रयोग करेंगे। लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे गहरा लंबा, यानी अपने वाम स्वर से अपने श्वास को अंदर भरेंगे गहरा और लंबा, डीपली एंड साइलेंटली, और फिर जब आपका श्वास पूरा हो जाए तो अनामिका मध्यमा से उसको पूरा भर बंद कर लेंगे, फिर दाहिनी नासिका से उसको श्वास को बाहर छोड़ेंगे गहरा और लंबा। जब आपका श्वास पूरा दक्षिण स्वर यानी कि राइट नॉस्टल से आप पूरा छोड़ देंगे, फिर उसको बंद कर लेंगे, फिर अपना लेफ्ट नॉस्टल से ही श्वास को अंदर भरेंगे। यही क्रम हमारा जारी रहेगा, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे, राइट से उसको पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, यही क्रम हमारा जारी रहेगा। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। अगर आपको विशेष कोई ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो 10 से ज़्यादा भी आप अपने क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं, तो आप इस अभ्यास को इस तरह से कर सकते हैं। लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें, फिर जब आपका श्वास पूरा हो जाए तो लेफ्ट को बंद कर लें, राइट से उसको बाहर छोड़ें, जब आपका राइट से श्वास पूरा बाहर छोड़ दें तो राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से अंदर भरें, लेफ्ट से जब पूरा हो जाए तो फिर राइट से उसको बाहर छोड़ें, यही क्रम हमारा जारी रहेगा। इस अभ्यास को करते हुए जब आप श्वास को अंदर भरते हैं तो मन में शिव संकल्प करें कि चंद्रमा की सभी सौम्यता, पॉजिटिव एनर्जी, शीतलता हमारे अंदर एंटर हो रही है, और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो आपके अंदर ये विचार होना चाहिए कि हमारे अंदर सभी जो हमारे दुर्गुण हैं वो दूर हो रहे हैं और हमें आरोग्य की प्राप्ति हो रही है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर से बाहर जा रही है, और जब श्वास को अंदर भरें
तो शिव संकल्प मन में रखें कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो रहा है, चेहरे पर सौम्यता का भाव रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। अगर आप प्रातःकालीन इस अभ्यास को करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, शाम को भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। जो ज़्यादा कफ से ग्रस्त होते हैं, जिनको कफ की समस्याएं ज़्यादा हों या और अन्य समस्याएं ज़्यादा हों सर्दी से संबंधित, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर गर्मी के रोग हों उनको ही अभ्यास करना चाहिए। और जब आपका एक क्रम पूरा हो जाए तो आप इसको छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, हमारे रक्त संचार में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, रक्त विकार दूर होते हैं और श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी हमारी क्योर होती हैं, हृदय हमारा अच्छे से काम कर रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये सम रखने में बहुत मदद करता है, आँखों की जलन, फेस के ऊपर जितने भी पिंपल्स गर्मी के रोग होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं और हमें हमारा जो मस्तिष्क है वो ठीक प्रकार से बैलेंस्ड होकर काम करता है, हमारे संतुलन, सोचने विचारने की क्षमता, टेंशन तनाव हमारे बिल्कुल दूर हो जाते हैं और मधुमेह जैसी बीमारियों का शमन भी हमारे के द्वारा होता है। जब आपके एक एक सेल इससे प्रभावित होंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर में अच्छे से रहेगी तो कैंसर जैसी भयावह बीमारी में हमारे शरीर में नहीं आएगी और इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और हम सदा रोग मुक्त रहते हैं और आरोग्य की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो ये प्राणायाम हमें निरंतर 10 से 15 मिनट भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास समय अधिक है तो आप इसको आधे से एक घंटा भी किया जा सकता है। मैंने इसको अपने ऊपर आधे से एक घंटा भी काफ़ी किया है। इसके बहुत ही अद्भुत लाभ हैं जो आप इसको ले सकते हैं। मृदु चंद्रभेदी प्राणायाम, इसको केवल जो सर्दी के रोग से ग्रस्त हैं वो लोग इसको ना करें, क्योंकि ये शीतलता को बढ़ाता है शरीर के अंदर। अगर आप इसको करेंगे तो शीतलता और बढ़ेगी, तो आप और बीमार होंगे, यानी आपके अंदर गर्मी की समस्याएं हैं अगर इसको कर सकते हैं। अच्छा प्राणायाम है, प्राणायाम करने से हमारे शरीर में सारी चीज़ों में संतुलन आता है और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राणायाम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।